लास्ट क्लास में इतना डिस्कस किया है कि हाँ आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, उनको देख सकते हैं हम, सही है। अब बात आ रही है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, लिखते जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। फर्स्ट, आयनिक बॉन्ड हैविंग नेटवर्क बॉन्डिंग, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक बॉन्ड ऑब्लिक कंपाउंड, हम बात जहां आयनिक बॉन्ड होगा उस कंपाउंड्स को हम आयनिक कंपाउंड ही बोलेंगे। आयनिक कंपाउंड्स हैविंग, यस, आयनिक कंपाउंड हैविंग नेटवर्क बॉन्डिंग, ओके, लिख लो, दोबारा लिखिए इसको, नेटवर्क बॉन्डिंग। सेकंड, हाँ तो लिखें आयनिक, ऑल आयनिक कंपाउंड्स, लिखते जाएं फिर भी दोबारा, ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर, ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सॉलिड इन नेचर। थर्ड, आयनिक कंपाउंड डू नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरेस, आयनिक कंपाउंड डू नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरेस, क्योंकि इसमें पोजीशन फिक्स होती है आयंस की, तो आइसोमेरेस शो ही नहीं कर पाएगा आयनिक कंपाउंड्स। NaCl एक ही तरह की स्ट्रक्चर रखेगा तो एक ही रखेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड ब्रिटल इन नेचर, आयनिक कंपाउंड सॉलिड तो लिख चुके हैं, आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल इन नेचर का मतलब क्या है बच्चों, कि अगर आप तोड़ोगे तो वो बारीक बारीक पीस में चेंज होगा, मतलब उसका वायर नहीं बन सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, अगर आप यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं, इस पर हैमर का मारते हैं, हथौड़े की मारते हैं, तो क्या होगा, ये पूरी स्लाइड इस तरफ मूव कर जाएगी, और जब मूव करेगी तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ये क्या हो जाएगा Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रिपल्शन की वजह से ब्रेक हो जाएगा। तो क्या आप यहां पर, आप ही बताइए, क्या यहां पर आप वायर बना सकते हैं क्या, नहीं। नेक्स्ट, फिफ्थ प्रॉपर्टी, बना ही नहीं सकते क्योंकि ये रिपल्शन होगा तो ये पीसेस में टूटेगा ना कि वायरिंग होगी। फोर्थ, आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में आसानी से आराम से डिसॉल्व होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स में आयंस बहुत टाइट बॉन्ड से बंधे होते हैं, तो कंडक्टर होते हैं या नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, बट इन एक्वस स्टेट दे आर गुड कंडक्टर। आयनिक कंपाउंड आर बैड कंडक्टर, या नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, बट दे आर गुड कंडक्टर इन एक्वस स्टेट। सेवेंथ, समझ में आ रहा है, ये सारे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज वेरी हाई,
अगर आपको फिर भी कोई प्रॉपर्टी देखनी है तो आप NaCl को देखते हुए बता देना। जनरली आयनिक कंपाउंड आर ट्रांसफर इन नेचर, ट्रांसफरेंस यानी कि कलरलेस इन नेचर, ये भी लिख सकते हो, ट्रांसपेरेंट इन नेचर, या बोल सकते हो आयनिक कंपाउंड आर कलरलेस। ठीक है, NaCl का प्योर NaCl होता है तो उसका क्रिस्टल आपको कैसा दिखेगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी के बारे में। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ मिसिंग है तो आप NaCl को देखते हुए आराम से बता सकते हो। समझ में आ रहा है बात? तो ये रहा एक पॉइंट आयनिक कंपाउंड। अब बात करते हैं मेटेलिक बॉन्ड। आयनिक कंपाउंड को हम एक बार और पढ़ेंगे क्योंकि हमें आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में भी पढ़ना होता है, तो वो मैं सबसे लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है? जब आप सारी थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मेटेलिक बॉन्ड हेडिंग डाल लीजिए, मेटेलिक बॉन्ड या कंपाउंड। मेटेलिक के अंदर आपको दिखती क्या याद आता है? मेटल के अंदर आयरन, कोबाल्ट, निकल, गोल्ड, सिल्वर, बहुत दुनिया भर के मेटल्स हैं। समझ में आ रहा है? तो मेटल्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक तरह से हमारे पास, हम Fe को देखते हैं, हम Fe सॉलिड बोल देते हैं बस, हम NaCl कंपाउंड फॉर्म में नहीं बोलते इसको। इसको क्या बोलेंगे? Fe। Fe किस तरह से बनेगा? ये Fe, 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 Fe। और आपको मालूम है इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर एक तरह से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? कोर। कोर का मतलब कर्नल, कर्नल का मतलब कैटायन। तो यहाँ कोई ना कोई आयन रहेगा, Fe प्लस एन, यानी ये सिर्फ न्यूक्लियस की तरह रहेगा। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं वो एक अलग बात है, इसलिए मैं एन लिख रहा हूँ बस। तो इसको आप क्या बोलोगे? Fe, इसको बोलोगे कर्नल, और इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे, ये पूरा इलेक्ट्रॉन वॉल रहेगी बीच में, दो Fe के कर्नल के बीच में। समझ में आ रहा है? तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या बनेगी, लिखना चालू करो, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक बॉन्ड फुल स्पीड के साथ। फर्स्ट क्या लग रहा है आपको, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी? फर्स्ट, मेटेलिक बॉन्ड इज एग्जांपल ऑफ नेटवर्क बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्ड इज एग्जांपल ऑफ, मेटेलिक बॉन्ड इज एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क बॉन्डिंग। लिखें नेटवर्क बॉन्डिंग। इज दैट क्लियर? यानी मेटेलिक बॉन्ड हमारे किसके लिए एग्जाम्पल है? नेटवर्क बॉन्डिंग का। दूसरी प्रॉपर्टी, मेटेलिक बॉन्ड इज एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। सो जनरली मेटेलिक कंपाउंड आर हार्ड एंड सॉलिड, सॉलिड इन नेचर। तो नेचर में जितने भी आपको मेटल दिखेंगे वो सॉलिड दिखेंगे जनरली, और एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं है। कौन है एक बहुत अच्छा एक्सेप्शन तो आपको मालूम है, मरकरी। इसके अलावा भी है गैलियम, सीजियम, ये सारे एक्सेप्शन है, ये लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड,
एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. सो जनरली मेटेलिक कंपाउंड आर हार्ड एंड सॉलिड इन नेचर. एक और चीज़ है जो आयनिक बॉन्ड को मेटेलिक बॉन्ड से अलग रखती है, आयनिक ब्रिटल होते हैं जबकि ये क्या होते हैं, डक्टाइल. इनके वायर बन सकते हैं, इनकी प्लेट बन सकती है. तो मेटेलिक कंपाउंड्स या मेटेलिक जो भी, हम कंपाउंड तो बोल ही नहीं सकते मेटेलिक, तो मेटेलिक को हम बोल सकते हैं मेटेलिक ही रहने दीजिए. मेटेलिक आर डक्टाइल इन नेचर. डक्टाइल इन नेचर दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन. इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है, मूवमेंट करना बहुत आसान होगा, तो इनके लिए कंडक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी. समझ में आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. फिफ्थ, अगर हमें मेटल देखना है तो सबसे अच्छा क्या होगा, आयरन कोबाल्ट निकल देख सकते हैं. देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई. एंड दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर. दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर. इन वाटर आप मेटल को पानी में डाल दीजिए, क्या सॉल्युबल हो जाएगा क्या थोड़ी सी देर में? नहीं होगा ना. तो ये हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज हो गई मेटलिक बॉन्ड की. इसके बाद आता है कोवलेंट, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें यही आगे जाके पढ़ना है. तो हेडिंग डलेगी कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड अगर हम बात करें तो लिखना शुरू करें.